नहीं भाई लाग नहीं यात्रा कार्ड वाली डाडी बढ़ा रहा गिए बड़ी बड़ी तो बड़ी बड़ी बढ़ाओ बढ़ाओ क्यों कर बिगड़े बिको महादेव जी ने मिला के रेस के शिखर में स्थिति बढ़िया रैली घना काम कराए वहां पर अठे तो साहब बीजेपी जीतेगी तो शिखर जिला में तो क्या कारण समझ भाई डोटासरा जी का तो बोलबा को अंदाज है काम देख लो कुछ देख लो चाहे राहुल गांधी को तो पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा प्रधानमंत्री के लिए कम करते हैं मतलब के कारण समझ में बीजेपी के जवाब पीछे आम में कोई कार्यकर्ता ही कोने कांग्रेस में तो ठीक है नेता तो का नेता ने वोट कौन दे रहा वोट मोदी ने दे रहा है लोग आजकल दामा में बिकन से टिकट दे देखो महादेव सिंह जी हिटे तो डोटासरा फिट बीजेपी वाले है ना ये लोगों को गुमराह करने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है दुनिया स्वाद के साथ सेहत भी दुनिया लाया है टोंड मिल्क स्टैंडर्ड मिल्क डबल टोंड मिल्क इसके साथ ही दुनिया आपके लिए लाया है छाछ दही पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ अभी ऑर्डर करें पाइए फ्री होम डिलीवरी राम राम साहब मैं थर साथ अरुण थे देख रहे हो झलको सीकर अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ खंडेला विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ी लोहारवास ग्राम पंचायत का मायने लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं बाकी टिकट ने वितरण ने लेके कोटड़ी की जनता के मन में के विचार चल रहे अब की बार सीकर लोकसभा क्षेत्र का मायने कौन सी पार्टी के कौन से नेता ने वह टिकट मिल सके सारी बातचीत वहाँ के साथ करूँगा तो देसी चुनावी यात्रा के साथ हम लास्ट तक बने रहना है और शेयर जरूर कर देना है राम राम साहब क्या नाम है जी कन्हैयालाल यादव अच्छा साहब एक चीज़ बताओ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो बीजेपी वाला किन देश की आपके पास टिकट बीजेपी वाला तो साहब मेहरिया ने भी दे दी बाबा जी ने भी दे दी तो प्रबल दावेदारी जहाँ फिलहाल महाराज जी हैं तो कसो के काम करे मेरी बात सुनो नहीं महाराज जी तो ठीक ही हैं आदमी गलत आदमी को नहीं कांग्रेस को क्यों लाग रहे कांग्रेस को तो टोडा सर मिलनी चाहिए मेरा हिसाब नाम तो महादेव जी को भी आ रही है हाँ बी को भी आ रही है तो दोनों कुंड साहब को पलड़ो भारी दिख रहे हैं पलड़ो भारी तो टोडा सरा को जी तो अठे तो साहब बीजेपी जीतेगी तो शिखर जिला में तो नहीं है जय कांग्रेस वाला जो राहुल जी हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रखी है भी कुतो फर्क पड़ेगा बहुत बहुत फर्क पड़े बीजेपी तो क्यों फर्क पड़ सके क्या बता रहे हो साहब 1947 से फटेड़ो जाओ अब जुड़ जाए लोग नहीं भाई लाग नहीं यात्रा कार्ड वाली डांडी बढ़ा रखी है बड़ी बड़ी तो बड़ी बड़ी बढ़ाओ बढ़ाओ क्यों कर बिगड़े बिको अरे कौन चले बिक पावली टिकट की मिल सके फिर सीकरूँ अब टिकट तो बीजेपी की मिले कुंड मिले बीजेपी नहीं कांग्रेस वाला किन देश की कौन सा कांग्रेस वाला को तो कौन जाना कुंड दिए महादेव जी ने मिला क्या रही स्थिति कौन रही स्थिति डाउन एकदम डूब का तो और बीजेपी वाला किन प्रगर्स के भरोसे बीजेपी वाला कोई भी दीदी बीजेपी तो रही वोटा किन देश वोटा तो कांग्रेस नहीं जाएगा साहब चाहे हारे चाहे जीते बताए तो कांग्रेस वाला किन देंगे टिकट पर महादेव जी को भी नाम आ रहे है डोटासरा जी को भी आ रही है तो हम की लाग रही है दावेदारी आगे दोनों की हो रही है साहब पहले काम तो महादेव जी को ही मानो थे हाँ महादेव जी ने मिला के रेस के शिखर में स्थिति बढ़िया रैली घना काम कराए वहाँ पर अब टोटसरा में जाना को नहीं मैं तो महादेव जी नहीं जाना अरे साहब अभी चुनाव को क्या माहौल समझ मारे देखो चुनाव को फिलहाल तो अभी कोई कंफर्म को नहीं टिकट नहीं लेके बात करें टिकट की तो बात नहीं है जी कि अब टिकट तो आगा सुदेवाला जी में तो हाथ को नहीं पर यहाँ से कि कांग्रेस जरूर अब की बार निकल जाएगी निकल जा किन टिकट मिला निकले अब टिकट तो देखो अब किन दी कांग्रेस को ज्यादा बहुमत से फिलहाल की बीजेपी तो से देखता रहे खंडेला आपको महादेव जी को नाम भी आ रहे हैं डोटासरा जी को भी आ रहे हैं देखो खंडेला से अगर महादेव सिंह जी ने मिला से तो 100% घासी जी की चाल रहे हो माहौल चुनाव को टिकट की तो देखो टिकट की तो फिलहाल तो ये हो रही है भाई महादेव सिंह टिकट मिले ली कांग्रेस तो डोटासरा जी को नाम आ रही है दबे दबे आ रही है दबे दबे आ बोलो तो विधानसभा चुनाव महादेव सिंह जी हार गया तो भी स्थिति देख के देश का पार्टी टिकट बात स्थिति तो साफ बात बात ले रही होगी ना तो महादेव सिंह थाने मालूम है कई बार विधायक रह लिया अब भी साहब देखो टिकट मिले भी महादेव सिंह साहब गई हाँ कोटड़ी भी रह ली और बीजेपी वाला किन देश की टिकट अब बीजेपी वाला तो देखो मेरिया साहब की भी सुना था मेरिया सिंह टिकट तो मालूम मिला है हाँ तो थारे अंदाजा हूँ सीकर के मायने कताक वोट ली जाए देखो मेरिया साहब ने मिला जाए कि दोनों टक्कर आओ टोडा साहब तो मुश्किल से भाई अगर मेरिया सिंह टिकट मिले जाए तो मेरिया जी निकलोगे तलाल नंबर मरो जो बाबा जी थे ना हम वो आ रहे थे बीजेपी वाला में वो राम एक शिखर को भी को नाम भूल को वो आ रहे टी राम आ रहे थे मेरिया जी के मेरिया जी और कांग्रेस में पहला नंबर में टोडा रहो फिर दूसरा नंबर में एक और से तीसरा नंबर में महादेव सिंह आ रहे जीते कौन जीते लोटे बीजेपी वालों की बता रहे चुनाव बीजेपी के जा लो और केंद्र में भी बीजेपी रैली
के आधार मतलब के कारण तारा समझ में आवा बीजेपी के जाबा के पीछे आम में कोई कार्यकर्ता ही कोने कांग्रेस में अगर कोई कार्यकर्ता हो जद तो पीछे जनता भी बिना कार्यकर्ता जनता कुण के पीछे लागे मैं चक्कर दो जना सिकर में भी तो ठीक है नेता तो सिकर का नेता ने वोट कौन दे रहा वोट मोदी ने दे रहा जो लोग नहीं टिकट की बात कर रहा हूं सिकर का मैं किन देश की टिकट कांग्रेस टिकट तो अब देखो तो मेरी आधे में मिल जाना है वो तो बाबा जी तो सही थे बीजेपी का ही हाँ कांग्रेस वाला कांग्रेस वाला तो अब टोडासरो वर्चस्व में आ रहे थे लेकिन जैसे को टोडासरा को चार तहसील खाए थे टोडासरा श्री माधोपुर खंडेलाल नेमका थाना और चोमू टोडासरा ने खाए थे और महादेव जी को भी नाम आ रहे हैं महादेव जी आगे निकले जाम किन देश का टिकट की पर भरोसा कर उसके पार्टी अब बात तो पार्टी वाला जाने कोड पर करे अंदाजो लगा वहां पर तो आजकल दामा में बिकन टिकट जा देखो बीजेपी किन देश का टिकट बीजेपी में तो सुमेधानंद जिन देश के लेकिन सुभाष जी मेरे भी कैंडिडेट बढ़िया है तो बंद सारे अंदाजा से बात दोनों के बीच का मायने कंपेरिजन करो जा तो किन मिल सके सुभाष जी के कारण समझ में कारण तो भाई पुराना नेता है वे और कांग्रेस वाला की पर किसकी विश्वास कांग्रेस वाला तो डोटासरा जी के कारण समझ में डोटासरा जी का तो बोलबा को अंदाज है काम देख लियो कुछ देख लियो चाहे अब लक्ष्मणगढ़ में देखो ये थे का हिसाब से निकाली टिकट और आज मान लो डोटासरा जी ने मिल गई मेरिया जी ने मिल गई तो दोनों में जीतता गुण फिर निकल लो तो बीजेपी को कैंडिडेट ही चाहिए किन सपोर्ट करूँगा मैं तो बीजेपी ने के नाम है साहब राम कुमार राम कुमार जी माओ थे काट रहे हो मिठाई थे बनाओगा किन खुआओगे अब की बार मिठाई लोकसभा चुनाव अब देखो तो किन सीट मिले टिकट किन की आवे रे नहीं बीजेपी किन पर विश्वास किसके के लाग रहे अब बीजेपी पे हो लोग की बात तो जो ये टिकट जो फिलहाल सुमेधानंद जी ही बने दो रास्ते की टिकट नहीं बने कुछ मिले अब बने मिले जीते भी बने के कारण समझ में कौन तो नया बदले लगा तो पुराने तो पहले कड़ा ही बने आप नहीं देखो खंडेला क्षेत्र से ही बने आया अच्छा अच्छा तो के लाग रहे बीजेपी अब की बार चुनाव वही है मोदी पर है निर्भर देखो चुनाव वही रह लो मोदी वाले पर कांग्रेस की टिकट नहीं मिल सके महादेव जी ने मिल जाए तो टासरा जी को भी नाम सुनवा हाँ वो तो यहाँ तो हमें मिलेगी कोई सानी भी नहीं ज़्यादा वर्चस्व की को है देखो कि ज़्यादा देखो महादेव सिंह का भाई तो महादेव सिंह जीते भी अच्छा टिकट मिला जीते हाँ कता वोटों में बाजी मारे भाई प्रधानमंत्री किन समझ रहे प्रधानमंत्री तो कती सीट है जी अब देखो इतना सुना कम से कम 400 सीट हो जाए 350 तो ही हूँ अच्छा एक चीज़ बताओ जो सरकार की स्कीम है पीएम किसान निधि है बिगमा पैसा दे रहे हैं और अब बजट का मैंने 2000 रुपया बढ़ा भी दिया 6000 से 8000 रुपया कर दिया आज जी साहब लोकसभा की जो चुनाव आने वहाँ पर कतो फर्क पड़ सके ज़्यादा फर्क होना पड़े जो हमेशा पड़ता है ना वो उतना ही पड़ेगा तो राहुल गांधी जी जहाँ भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रही भी कतो फर्क पड़ेगा देखो तो देखो फिलहाल राजस्थान से गुजरेगी तब मालूम पड़ेगा अभी तो बाहर चल रहा है नहीं फिर भी एक मन के मायने विचार हो राजस्थान से तो निकल का बड़ी नहीं जल रही दूसरे ना कहीं देखो हम तो राहुल गांधी को ही चाहते हैं तो टिकट क्यों दिवा रहे हो की बार सीकर से हमारा तो पसंद का तो महादेव सिंह जी है और डोटासरा जी गोर वो भी पसंद का है दोनों में कोई टिकट मिला है गुड़सा ने देखो हमारी संभावना से तो महादेव सिंह को मिलनी चाहिए महादेव जी ने टिकट मिला क्या स्थिति रह सके यहाँ से जीत के जाएगा और बीजेपी वाला किन दे लाग रहे किन देश के बाबा जी ने दे या फिर मेहरिया जी ने दे या फिर कोई और ने दे देखो जी दोनों ही बाहर के हैं मेहरिया जी भी यहाँ के लोग सीकर बाजी कौन सुमर है बीजेपी या फिर कांग्रेस कांग्रेस मारेगी आपकी बार तो क्योंकि जो महादेव सिंह जी विधायक आ रहे हैं ना वो एक बार पहले काफ़ी वोटों से जीते भी थे सांसद में वैसा ही अब होगा किस रूप में देख रहे हो पीएम ने पीएम ने देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी पर तो पसंद है नहीं बिल्कुल ही कौन है नहीं है क्योंकि के कारण समझ में आ रही है एक तो महंगाई और एक बेरोजगारी दो कारण वजह हैं मेन तो वहाँ के अलावा कौन है जो प्रधानमंत्री बन सके वहाँ के अलावा तो देखो राहुल गांधी को तो पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा प्रधानमंत्री के लिए कम करते हैं कांग्रेस में कुशल नेतृत्व तो की को रह सके जो प्रधानमंत्री बन सके खरगे का ही हो सकता है मेरे हिसाब से बढ़िया है अनुभवी आदमी कोटरी का सरपंच जी अपने साथ ही बाकी राय है अब की बार सीकर लोकसभा लेके की है बातचीत बहुत करांगा राम राम जी राम राम जी राम 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 सरपंच जी चुनाव नज़दीक आगा टिकटा की बातचीत वितरण की बात चल रही है पार्टियां वितरण करने लेके काफ़ी असमंजस की स्थिति में ही तो के लाग रही है अब की बार कांग्रेस को शुरुआत कर लिया टिकट की नहीं मिल सके सीकर के कांग्रेस की टिकट के मैन उम्मीदवार दो ही हैं महादेव सिंह जी हिट तो चौटासरा फिट ये दो आदमी हैं समझा हिट और फिट है जी लेकिन इससे भी बेहतर बढ़िया अगर महादेव सिंह जी को टिकट मिल हाई कमान देता है पार्टी तो अच्छा रहेगा क्यों चौटासरा पर
प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पूरे राजस्थान के अंदर चीज़ों को मान लो प्रचार करना पड़ेगा, उसको समय कम मिलेगा। अगर ईमानदारी से काम करते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता कार्यकर्ता सारा, तो 8 विधानसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी एमएलए हैं, तो 100% के किसी को टिकट दे तो वो जो जीत सकता है, कोई गुंजाइश घूमती खरीदा नहीं, गुंजाइश घूमती थी। थोड़ा सा विपक्षी पार्टी पर बात कर लें, बीजेपी किन देश का टिकट? देखो बीजेपी के बारे में कुछ मेरे सामने तो नहीं आते, जो आप बता रहे हैं ना, या तो मान लो रणवा जी की बात आ रही है कि अब के बार बाबा जी काटते हैं, कारण भी समझ में आ रही है बाबा जी की, ये कह रहे हैं कि भाई बाबा जी ने मान लो दो बार मौका दिया, इसने जिले के लिए कुछ भी नहीं किया। जो मान लो कुमाराम लिफ्ट पानी की मेन समस्या है, कितने सालों से मुद्दा उठा है, बताओ बाबा जी ने क्या किया? बिल्कुल पानी की तो खंडेला नहीं बल्कि शेखावाटी में लगभग ये पानी की तो समस्या है। हाँ जी, तो इसमें बाबा जी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। जो केंद्र सरकार की स्कीम है सम्मान निधि वगैरह, आंसू का तो फर्क पकड़ो, बीजेपी वाले हैं ना, ये लोगों को गुमराह करने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो लाभ तो मिल रहे हैं साहब, अब 2000 रुपया और बढ़ा दिया बजट में। मेरी बात सुनो सर, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव थे तो मोदी जी ने खुद जयपुर कहा था 6000 के 12000 करूंगा, वो तो वो 6000 के 8000 कैसे कर दिए जी, तो गुमराह करते हैं। जो स्कीम गलत जी उनको बंद कर रहे हैं, तो इनके पास कंधे लेने के लिए तो कुछ नहीं, लोगों को बिठाना वैसी या तो ईडी या सीडी काम लेना जानते हो, जो को जो भी कोई आगे आएगा उसके साथ चलो ईडी लगा दो, चलो ये इनके पास और कुछ मतलब नहीं, विकास के बारे में कुछ सोच नहीं है। अच्छा सरपंच जी, थोड़ा आखिरी सवाल लूँगा, प्रधानमंत्री किन देख रहे होते? प्रधानमंत्री तो देखो बीजेपी का मैं तो मान लो यही आएगा, मोदी आएगा। मोदी आओगे? हाँ जी। कितनी सीटों? अब सीटों का तो मान लो जो पहले वाले वो 400 मान है ना, वो 400 नहीं आएंगी, वो मत पूर्ण होगी, वो मत आ जाएगा। कोटड़ी की जनता ने पर टिकट के वितरण लेके बातचीत अब करी है, तो देखा लोगों का मिला जुला समीकरण ही। हाँ, वीडियो देख के थारी की राय है बात है, मन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगा। और अगली देसी चुनावी यात्रा कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन से गांव में करनी है, भाभी थे कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगा। और देश दुनिया में जुड़े रहने के लिए बने रहो झलको सीकर के साथ। राम राम।